मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही, क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली, क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप अर्दोगन की पत्नी से मिले, जिनका नाम है एमिन अर्दोगन। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल स्थित राष्ट्रपति भवन हुबेर मैंशन में दोनों की मुलाकात हुई, और इसी के बाद से जो मुलाकात की फोटोज हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। दरअसल आमिर खान अपनी अगली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की पहुंचे। कोरोना की वजह से तो उनकी शूटिंग रोक दी गई थी, उसी को पूरा करने के लिए वो वहां गए। अर्दोगन ने खुद ट्वीट करके आमिर से हुई मुलाकात के बारे में बताया, लिखा, फेमस बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर आमिर खान से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं ये जानकर खुश थी कि वो अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग तुर्की के कई हिस्सों में करने के लिए आए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप अर्दोगन ने भारत की कई बार खुलकर आलोचना की है। CAA को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में भी अर्दोगन ने बयान दिया था, कहा था कि अभी भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां नरसंहार बड़े पैमाने पर हो रहा है। किसका नरसंहार? मुसलमानों का नरसंहार। किसके जरिए? हिंदुओं के। अर्दोगन ने फरवरी 2020 में दिल्ली के दंगों के बाद अंकारा में भाषण देते हुए ये बयान दिया था। इसी साल 14 फरवरी को इन्होंने भारत के 370 रद्द करने पर पाकिस्तान की संसद के जॉइंट सेशन में कहा था, आज कश्मीर का मुद्दा हमारे उतने ही करीब है जितना कि आपके यानी पाकिस्तान के करीब है। इस तरह का हल यानी न्याय और निष्पक्षता के आधार पर सभी संबंधित पक्षों के हित में होगा। तुर्की कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए हमेशा इंसाफ, शांति और वार्तालाप के पक्ष में रहेगा। सितंबर 2019 में अर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र में भी कश्मीर के मुद्दे को उठाया था। वहां अपनी स्पीच में कहा था, कश्मीरी लोगों को अपने पाकिस्तान और भारतीय पड़ोसियों के साथ एक सुरक्षित भविष्य देखने के लिए लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि बातचीत और न्याय के आधार पर समस्या का समाधान करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि ट्रोल होने की वजह क्या है। आमिर और एमिन अर्दोगन की मुलाकात के बाद आमिर को लोगों ने उनकी पुरानी बातें याद दिला दी हैं। आप ट्विटर पर बस आमिर सर्च करेंगे ना तो आपको ढेर सारे ट्वीट्स दिखाई दे जाएंगे जो वो आलोचना कर रहे होंगे उनकी। इसमें कई लोग आपको मिलेंगे जो उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। कईयों का कहना है कि भारत विरोधी बयान दिए जाने के बाद भी आमिर ने अर्दोगन से मुलाकात की। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत दौरे पर आए इसराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं की और इस्तांबुल में अर्दोगन से मिलने आमिर पहुँच गए। ऐसा ही एक ट्वीट लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी किया है। इसमें वो यही कह रही हैं कि आमिर ने इसराइल के PM से मुलाकात नहीं की और तुर्की की पहली महिला यानी फर्स्ट लेडी से मिलने पहुंच गए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने भी इस मुद्दे पर बात रखी है अपनी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन मुद्दों पर फैसला करना होगा कि लोग किस तरह की ट्रोलिंग के साथ हैं, सवाल उठाना या काउंटर करने के। उनका कहना है कि जिस तरह की ट्रोलिंग होती है उसमें लोग गाली देने लगते हैं, उनकी निष्ठा पर सवाल उठाने लगते हैं, जो कि बंद होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आमिर किससे मिल रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, ये उनकी टेंशन है। और अगर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यही डिसाइड करना होगा कि लोग किस तरह की ट्रोलिंग के साथ हैं तो हर आदमी से सवाल पूछना चाहिए और जांच होनी चाहिए, उसे एक स्कैनर में खड़ा कर देना चाहिए। फिलहाल लोग आमिर को उनके 2015 में दिए इंटॉलरेंस वाले बयान से ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें जिहादी तक कह रहे हैं। वैसे आमिर खान जिस फिल्म को वहाँ शूट करने गए हैं यानी लाल सिंह चड्ढा, तो वो टॉम हैंक्स की फॉरेस्ट गंप फिल्म की रीमेक है ऑफिशियल वाली, जो दिसंबर में 2020 में रिलीज होनी थी। अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन आमिर के साथ करीना कपूर भी हैं इस फिल्म में और उनकी शूटिंग तो शायद पूरी हो चुकी है। अब देखते हैं कि लाल सिंह चड्ढा की जो रिलीज डेट है वो आगे पीछे होती है या फिर जो क्रिसमस पर रिलीज होने के लिए तय है उसी टाइम होती है। तो ये वीडियो यहीं तक, देखने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हो इस वीडियो के बारे में तो ज़रूर शेयर करें।